आज महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों खेमे इस चुनाव के जरिए अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की आशंका भी बढ़ गई है, क्योंकि 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास चुनाव जीतने लायक भी वोट नहीं है। सभी दल अपने अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि तमाम पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को 5 सितारा होटलों में भेज दिया है। देर रात उद्धव ठाकरे अपने विधायकों से मिलने के लिए भी होटल पहुंचे, एकजुट रहने का उन्हें संदेश दिया और 12 उम्मीदवार हैं जिसके लिए जहोजह शुरू हो चुकी है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में ही वहां पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में ये चुनाव बेहद अहम हो जाता है। इसे एक तरह से सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में सदस्यों की संख्या 288 है। कुछ के निधन हुए तो इस्तीफे के कारण संख्या घटकर अब 274 हो चुकी है और हर उम्मीदवार को अब जीत के लिए 23 वोट चाहिए। उद्धव ठाकरे बुधवार की शाम को अपने विधायकों से मिलने मुंबई के परेल स्थित ITC होटल पहुंचे। दरअसल महाराष्ट्र की सभी पार्टियां अपने विधायकों को अलग अलग होटल में रख रही हैं। दलील ये है कि विधायकों को एक साथ जुटाकर उन्हें मतदान की प्रक्रिया समझानी है और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश देने हैं। लेकिन असली डर क्रॉसिंग वोटिंग की आशंका का भी है, लेकिन सभी को अपना कुनबा भी संभालना है। सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को 5 सितारा होटल में भेज रही हैं। सिवाय कांग्रेस और शरद पवार वाली NCP के शरद पवार की बेफिक्री की वजह यह है कि उन्होंने विधान परिषद चुनाव में अपना कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, बल्कि PWP के जयंत पाटिल को अपना समर्थन घोषित किया है। ये बात भी कही जा रही है कि शरद पवार को एक शिकारी की नजर से देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में और आशंका जताई जा रही है कि वे अजीत पवार के विधायकों को तोड़ सकते हैं। आते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।